बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 साल से ओसीडी में मुब्तला मरीज इस रूहानी इलाज से कैसे ठीक हुआ जानिए। ओसीडी एक ऐसी नफसियाती बीमारी है जिसमें मुब्तला मरीज इतनी आसानी से ठीक ही नहीं होता। इस बीमारी का शिकार ज्यादातर ऐसे अफराद देखे गए हैं जो कि बहुत ज्यादा जहीन होते हैं। लिहाजा ऐसा ही एक केस आज से कुछ अरसा कबल हमारे रूहानी सेंटर में आया, तो उसका मसला ये था कि उसे पिछले 16 साल से ओसीडी था। हर किस्म की मेडिसिन ली, हकीमी इलाज करवा के देख लिया, रूहानी इलाज बहुत करवाए मगर शिफा नहीं मिली। जब उसने हमारे रूहानी सेंटर में राबता किया, उस वक्त भी उसकी हालत ये थी कि वो इंतहाई लागर, कमजोर और बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। हर वक्त बिस्तर पर पड़े रहना, लोगों से बातचीत न करना, अपनी ही सोचों में कैद, एक कैदियों वाली ही जिंदगी बसर कर रहा था। खैर, उसका रूहानी इलाज इस तरह से किया गया कि सबसे पहले उसकी शिफा के लिए हमारे दुआ बातिन प्रोग्राम में उसका नाम लेकर खास दुआ करवाई गई। आप भी अगर ओसीडी का शिकार हैं तो अपना नाम, वालदा का नाम और अलामत इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि आपके लिए भी दुआ करवाई जाए। दुआ के साथ रूहानी इलाज के तौर पर उसे उसके नाम से मंसूब 3 नक्श अरसाल किए गए। नक्श को मंसूब करने के दौरान जब उसका इस्तखारा और मराकबा किया गया तो मालूम हुआ कि उसके साथ कुछ असेबी चीजों का भी मामला है। उन असेबी असरात ने उसके अंदर खौफ की बीमारी को जन्म दिया था जो बढ़ते बढ़ते ओसीडी और डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर गया। लिहाजा अब चूंकि उसके मसाइल की दो वजूहात थी, एक रूहानी यानी असेबी असरात और दूसरा नफसियाती यानी ओसीडी, इसलिए उसके मर्ज की शिद्दत को देखते हुए उसे एक नक्श सूरह बकरा का अरसाल किया गया, जिसमें मौजूद सूरह बकरा की रूहानी तासीर ने उस पर मौजूद बहुत पुराने असेबी असरात को बहुत तेजी से खत्म कर दिया। जबकि दूसरा तावीज सूरह शुरा का था, जिसमें मौजूद सूरह बकरा की रूहानी तासीर ने उस पर मौजूद बहुत पुराने असेबी असरात को बहुत तेजी से खत्म कर दिया। जबकि दूसरा तावीज सूरह शुरा का था, जिसमें मौजूद शिफा की हैरत अंगेज रूहानी तासीर ने उस नफसियाती प्रॉब्लम से शिफा का काम किया जो कि ओसीडी का बायस बन रही थी। तीसरा तावीज सूरह नास का था, जो कि उस शख्स की आइंदा के लिए तमाम तर असेबी असरात से रूहानी हिफाजत के लिए था। जब उसके घर वालों ने उन कुरानी तावीजात पर बताया गया इसमें आजम पढ़कर दम करना शुरू कर दिया, तो ठीक 3 दिन के बाद वो शख्स अपने कमरे से बाहर आया और घर वालों के साथ बाहर सैर तफरी के लिए निकल गया। इस हैरत अंगेज रूहानी फैज ने उसके घर वालों को हैरान कर दिया कि आखिर ऐसी कौन सी रूहानी ताकत है जो उसे 16 साल बाद कमरे से बाहर निकाल लाई और उसे ऐसे ठीक कर दिया कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। हम तो यहाँ सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि बेशक मुमकिन या नामुमकिन तो हम इंसानों के लिए है, अल्लाह की जात के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये नक्शुन अफराद को फीस विलीला अरसाल किए जाते हैं जो इंतहाई जरूरतमंद और मजबूर हैं और हदिया अदा करने की इस्तेतात नहीं रखते, लेकिन जो अफराद साहबे इस्तेतात हैं उन्हें चाहिए कि ये नक्श 1400 रुपए हदिया अदा करके हासिल करें। तावीजात मंगवाने के लिए हमसे इन नंबर्स पर राबता करें, खवातीन 03-2179-707-893 पर और मर्द हजरात 03-2348-5555 पर राबता करें। शुक्रिया।